बेसिकली हम लास्ट क्लास में कटिंग रॉड प्रॉब्लम की तरफ थे, और प्रॉब्लम ये थी, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, उसी को आगे लेके चलते हैं, कोशिश करेंगे उसको खत्म करके फिर मैट्रिक्स चेंज मल्टीप्लिकेशन यानी पैरेंथेसाइजेशन की तरफ जाए। तो चलिए, तो हमारा क्वेश्चन मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो ये था कि हमारे पास एक रॉड होगा और उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होगी, और उस लेंथ को हमने स्पेसिफिक पीसेस में कट करना है, और इस तरह कट करना है कि उसको जो है वो मैक्सिमाइज कॉस्ट पे या उस पे हम प्रॉफिट पे बेच सकें। तो इसके डिफरेंट कटिंग जो है वो की जा सकती है, ये डिपेंड करेगा रॉड की बेसिकली लेंथ पे। अगर लेंथ इसकी 10 है तो फिर हम उसको किस तरह से बेसिकली कट करें कि हमें मैक्सिमम प्राइस जो है वो मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हमारे पास एक हॉल था और हम कह रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज थी और हमें इसमें जो है वो स्टार्ट और एंड टाइम एक्टिविटीज की दी गई थी, और आपकी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मैक्सिमाइज जो है वो एक्टिविटी जो है वो इस हॉल में हो जाए। उसको हमने ग्रीडी एल्गोरिथम से किया था। अभी यहाँ पर जो इशू है वो यहाँ पे दूसरा जो इशू यहाँ पे वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कर रहे हैं डायनेमिक एल्गोरिथम से। पहले तो हम देखेंगे इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन जो कि बेसिकली एक्सपोनेंशियल होगा, फिर हम उसको डायनेमिक एल्गोरिथम की तरफ लेके जाएंगे ताकि इसका एक्सपोनेंशियल से जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। तो प्रॉब्लम तो हमने पहले से डिस्कस की हुई, फिर मैं उसको रिविजन नहीं कर रहा ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, और अब हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो ये इशू है हमारे पास, इसको अगर हम रिकर्सिव एल्गोरिथम से सॉल्व करें तो हमने देखा था कि इसका एक रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखा हुआ था वो ये है जो इन्होंने लिखते हमें दिया था। ठीक है, काम कैसे करेगा ये, और इसके इसमें जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है कटिंग, ये डायनेमिक अप्रोच नहीं है, यह है विदाउट डायनेमिक अप्रोच। कहता है कि एक आम अप्रोच जो कि हम सोच सकते हैं कि रिकर्सिवली अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर एल्गोरिथम लिखा है और बुक का कट पेस है ये कि कट रॉड पी ऑफ एन, पी जो है वो ये एरे है जो हम यहाँ से दे रहे हैं इसको, कि इसके प्रॉफिट्स के रेट्स क्या होंगे, और एन जो रॉड का साइज होगा, और अगर रॉड का साइज जीरो है तो रिटर्न जीरो कर दे। ये बेसिकली बेस कंडीशन होती है ताकि हम अगर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं तो इस बेस कंडीशन पे पहुंचने के बाद जो रिजल्ट हम देना शुरू करें, आउटपुट देना शुरू कर दें। तो रिटर्न जीरो का मतलब है कि अगर रॉड की लेंथ जीरो है तो आप जो है वो आउटपुट भी जो है वो क्या होगा, जीरो। फिर इनिशियली एक कंपेरिजन के लिए क्यू की वैल्यू दी है माइनस इन्फिनिटी, और आई की एक वैल्यू जो है वन से लेकर एन तक रन कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक। और उसके बाद इस फॉर के लूप के अंडर सुपरविजन में एक रिकर्सिव कॉल इन्होंने चलाया, और वो है क्यू इज इक्वल टू मैक्स, क्योंकि हमें मैक्स प्रॉफिट चाहिए, ऑप्टिमल रिजल्ट मैक्सिमम का चाहिए, तो मैक्स क्यू कॉमा पी आई प्लस कट रॉट पी कॉमा एन माइनस आई। अब इस मेथड को जारी है तो बिल्डिंग एल्गोरिथम है, और ये हमने रीड अप कर लिया जिस तरह से लिखा हुआ था, क्यू इज इक्वल टू मैक्स ऑफ क्यू कॉमा पी आई प्लस कट ऑफ रॉट पी कॉमा एन माइनस आई। अब देखने ये कि ये जो बेसिकली ये पी आई का मतलब ये है कि जो आई की वैल्यू यहाँ से पिक की जा रही होगी बारी बारी, यानी 1 2 3 ये वही होगा जितनी रॉड की लेंथ होगी। तो अगर 4 लेंथ है तो 1 2 3 4 तक आप जाएंगे, और अगर 10 लेंथ है तो आप उसको 10 तक चलाएंगे, ये बेसिकली 10 तक चलेगा। लेकिन हर दफा यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल, जैसे अगर 4 का रिकर्सिव कॉल हुआ है यहाँ पे, तो ये बारी बारी एक एक कम करके रिकर्सिव कॉल भी कॉल करेगा, यानी एन माइनस वन। अगर रॉड की लेंथ 4 है तो 3 2 और 1 तीनों के लिए रिकर्सिव कॉल होगा, 4 जो है वो 3 और मजीद रिकर्सिव कॉल करेगा, और जो रिकर्सिव कॉल 3 के लिए होगा वो मजीद 2 और रिकर्सिव कॉल करेगा, जो कि बेसिकली 2 1 और 0, बल्कि 3 रिकर्सिव कॉल और होंगे इसके अंदर। तो ये कट रॉड का रिकर्सिव कॉल जो है यहाँ कॉल, इसके लिए हम यहाँ पे रिकर्सिव डायग्राम जो हमने पहले भी सीखी थी और उसी को हम आगे एक्सटेंड करके सीखेंगे। यहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल की डायग्राम देखेंगे उस फॉर लूप के बेसिस के ऊपर, कि अगर हमें CRP4, P4 अगर हम कॉल करते हैं तो इस एल्गोरिथम के बेसिस पे जो फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है 3 रिकर्सिव कॉल और कॉल होंगी। देखिए CRP1, P3, CRP2, CRP1 और CRP0, ये कौन सी रिकर्सिव कॉल है। वो तो कहता है कि अगर हम यहाँ पर अगर एल्गोरिथम में देखें कि अगर ये आई जो है वो कटिंग रॉड कटिंग की साइज की वो मेंशन कर रहे हैं, कि अगर मैं PR4 कॉल कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से कॉल करता हूँ, 4 अगर यहाँ भेज देता हूँ P में, तो इसका मतलब है कि मुझे मेरे पर लेंथ जो है 4 है। तो पहली दफा वो कह रहा है कि मैं इसके 1 के पीस बनाता हूँ, तो I इज इक्वल टू 1 है ये।
अगर 1 के पीस बनाएगा तो ये n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगली दफा 3 की कॉल तो होनी है, लेकिन पहली दफा आपने किसको कंसिडर किया, 1 को कंसिडर किया। तो वो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी डायग्राम में, ये जो डायग्राम है वो ये बता रहे हैं कि कटिंग जो है वो 1 की हुई है और जो अगला रिकर्सिव होगा वो 3 का कॉल होगा। कटिंग अगर 2 की करेंगे जब आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो रिकर्सिव भी 2 का कॉल होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, और कटिंग अगर 3 की कर रहे हैं तो रिकर्सिव भी 3 कटिंग 3 की कर रहे हैं तो रिकर्सिव 1 का कॉल होगा, और कटिंग अगर 4 की यानी 4 की लेंथ और कटिंग ना की जाए वैसे ही सेल करने की कोशिश की जाए तो फिर उसके बाद जो रिकर्सिव कॉल होगा वो 0 का होगा क्योंकि एन माइनस आई जो है वहाँ लिखा हुआ है। अगर आई जो है यानी कटिंग 4 है लूप पे कॉल की है, और जब 3 भी जाएंगे तो फिर रिकर्सिव कॉल होगा कि कटिंग जब आप उसमें से एल्गोरिथम में से 3 भेजेंगे यहाँ से 3 तो फिर ये 3 दोबारा से फॉर लूप चलाएगा और 1, 2, 3 के लिए चलाएगा, तो ये दोबारा से इस तरह से हो जाएगा कि कटिंग 1 के लिए 3 रिकर्सिव में 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए यानी एज इट इज 3 साइड रखें, तो ये CP2 CP1 CP0 के लिए कॉल होगा एंड सो ऑन। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे जाए तो CP2 के लिए कॉल होगा और CP1। अगर इसको सिंपल रिकर्सिव एल्गोरिथम को ऐसे ही रहने दें, ये जो ग्रीन में नहीं ये कटिंग है ये भी अगली स्लाइड में भी नजर आ जाएगा और ये जो है उसके बेसिस पे इसके रिकर्सिव कॉल। अगर इस रिकर्सिव कॉल को हम देखें तो कई जगह पे मल्टीपल रिकर्सिव कॉल होते हैं, बड़ी ट्री अगर इसकी साइज बड़ा कर दें 10 तो इसकी ट्री ग्रो करेगी, ट्री बड़ा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी वो तो एक बात होगी, लेकिन एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के साथ साथ कुछ ऐसे बड़े ब्रांचेस होंगी जो पहले से सॉल्व होंगी और हम रिकर्सिव में उसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक ब्रांच हमें नजर आ रही है CP2। अब अगर CP2 को देखा जाए तो CP2 यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे दोबारा सॉल्व करें यही एक इशू है जो कि कहता है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है जो अब तक रिकर्सिव में हमने इसको कैरी नहीं किया था। तो इस चीज को अगर CP2 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है तो क्यों ना हम इसको स्टोर कर लें, स्टोर कर लेंगे तो फिर हमें यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा CP0 CP1। तो इस तरह से इसको अगर हम जो लोअर साइड से अभी तो रिकर्सिव है, अभी नेफ रिकर्सिव कॉल है, ये कोई डीपी अप्रोच तो है नहीं, तो लिहाजा हमें हर एक को कॉल करना पड़ेगा। तो अगर इसकी ग्रोथ को देखें कि 4 है तो 16 रिकर्सिव कॉल है, 5 है तो इसी तरह से 2 की पावर 5 यानी 32 रिकर्सिव कॉल हो जाएंगी, 6 होगा तो 2 की पावर 6 रिकर्सिव कॉल हो जाएंगे, और इस तरह से रिकर्सिव कॉल जो है वो आगे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम सिमिलर एल्गोरिथम को रन करते हैं क्योंकि हमारा मसला हल हो जाएगा और हम बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर लेंगे कि क्या होना चाहिए और उसका पैटर्न भी क्या होना चाहिए वो भी हासिल कर लेंगे, किस पैटर्न से कट करें यानी जो पैटर्न पाथ पता जो जिस पाथ को मैक्सिमम प्राइस दे देगा वो बेसिकली हमें आउटपुट में हम ले लेंगे, तो वो पाथ जो है बेसिकली कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखें पाथ जो है वो 2-2 वाला जो है मैक्सिमम देगा, कैसे देगा उसमें हम भी वर्किंग कर लेंगे, लेकिन उदाहरण के 2-2 वाला जो मैक्सिमम देगा तो हम कह देंगे 2-2 जो है बेसिकली 4 रॉड है उसको 2 और 2 के पीसेस में कट करिए क्योंकि ये स्पेसिफिक हम 4 लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं। अगर लेंथ जो है वो बढ़ा दी जाए तो जाहिर है इसकी ट्री डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन एक बहुत ही इनएफिशिएंट किस्म का वर्क जो है इसके अंदर होगा, लेकिन हम जाहिर है इसको जब समझेंगे तो डायनेमिक एल्गोरिथम की तरफ मूव करेंगे। उसके समझने के लिए मैंने एक ट्री यहाँ पे उसको मजीद जो मुझे व्हाइट बोर्ड पर काम कराना था उसको बेसिकली यहाँ पे करके जो है वो प्रेजेंट किया है, और वो काम कुछ इस तरह से है कि इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये एल्गोरिथम बेसिकली चल कैसे रहा है। अगर हमें इस एल्गोरिथम की वर्किंग समझ आ जाए यानी एक तो ये तो समझ आ गया कि ये बेसिकली इस तरह से रिकर्सिव कॉल करेगा, लेकिन रिकर्सिव कॉल का आउटपुट कैसे मिल रहा है वो अगर हमें समझ आ जाए तो फिर हमें ज़्यादा आसानी हो ये वर्क कैसे हो रहा हो उसको समझाने के लिए इसने मजीद ये एक जो है वो स्लाइड ऐड की है इसके अंदर। इसमें एक चीज़ देखने की बात ये है कि हर स्टेज के ऊपर एक क्यू जो है वो बेसिकली इनिशलाइज होता है, जैसे अगर मैंने रिकर्सिव कॉल 4 किया तो उसका एक क्यू होगा, रिकर्सिव कॉल अगर 3 किया तो उसका भी एक क्यू होगा, रिकर्सिव कॉल अगर 2 किया तो उसका भी एक क्यू होगा, हर एक के पास अपने एक क्यू मौजूद है और मुझे नया फंक्शन कॉल होगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर दें तो एक क्यू जो है वो रिटर्न हो रहा है, यानी अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है किसी बॉटम लेवल, अगर मैंने रिकर्सिव कॉल 3 किया है तो 3 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वो 2 को कॉल करेगा 2 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन वो 1 को कॉल करेगा, और 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ 0 को कॉल करेगा, तो 0 बेसिकली कॉल पे ये रिजल्ट जो है वो आउटपुट देने शुरू करेगा, 0 पे क्यू की वैल्यू रिटर्न होगी, 0 अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा 1 को, फिर 1 अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा 2 को, इस तरह से ये
अपने बेस केस के बाद रिकर्सिव कॉल जो है वो आउटपुट देना शुरू कर देंगे। तो इस बेसिस के ऊपर ये रिजल्ट जो है वो आउटपुट देना शुरू करेंगे। अगर हम क्यू बेसिकली एक वेरिएबल है और हर रिकर्जन के लिए अपना एक क्यू मेंटेन हो रहा होता है, एरे में नहीं जा रहा, बल्कि ये क्यू जो है वो अपना एक मेंटेन हो रहा होता है। और पी जो है ये कॉमन ही है, ये क्यू कॉमा है, ये डॉट नहीं है बल्कि कॉमा लगा हुआ है कि हमने मैक्स निकाला है। ये दो एलिमेंट के दरमियान क्यू की जो वैल्यू आउटपुट में आ रही है ना, ये दो एलिमेंट के दरमियान कंपैरिजन है, ये मैक्स निकाल रहे हैं क्यू और ये बेसिकली कॉमा है क्यू कॉमा, ठीक है, और ये सारा एलिमेंट, ठीक। तो इसी को मैं समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा होगा। दिस इज नॉट द पॉइंट साइन, ये कॉमा है। अब इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू होगी और जो यहाँ से कैलकुलेटेड होगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं ना, यही लिखा हुआ पी आई के साथ आगे भी रिकर्सिव एलिमेंट भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो इसकी जो एसोसिएटेड लेंथ की जो कॉस्ट है ना, वो बेसिकली इसके रिकर्जन के साथ कॉल हो रही है। ये मैं अभी समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से कॉल हो रही है। तो इनका जो समीशन का रिजल्ट है और ये जो प्रीवियस रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक दूसरे से कंपेयर होंगे और इसमें से जो मैक्स रिजल्ट होगा वो इसको दे दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं, ए को कहते हैं प्रीवियस रिजल्ट और ए को कहते हैं करंट रिजल्ट, ठीक है। तो प्रीवियस और करंट को हम कंपेयर करेंगे, अगर करंट कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो करंट आउटपुट आ जाएगा और प्रीवियस रिजल्ट ज्यादा होगी तो क्योंकि हमें मैक्स चाहिए, तो उस स्टेज पे अगर प्रीवियस वाला ही ज्यादा है तो वो प्रीवियस को ही जो है वो अडॉप्ट करेगा। अब ये कैसे होगा, ये मैं अभी इनमें से इसी वजह से स्ट्री को समझाने जा रहा हूँ ताकि डायनेमिक में मुझे उसको समझाने में इतनी मेहनत ना करनी पड़े, एक दफा ही इसको समझ लिया। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ कि ये वाली जो यहाँ पे ट्री चल रहा है रिकर्जन एल्गोरिथम किस तरह वर्क हो रहा है, ठीक है। देखें, हमने ये ट्री तो वही पिक किए जो ट्री थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था। तो अब इस ट्री में वर्क कैसे हो रहा है ये समझाना है। तो ये ट्री जब यहाँ से चलनी शुरू होगी तो लेफ्ट साइड में ये इस तरह से ग्रो करते करते, क्योंकि ट्रेवर्स इस तरह होता है, लेफ्ट साइड से होगा फिर यहाँ से घूमी, ये पता ही होगा आपको, पहले यहाँ से ये कॉल हुआ फिर ये कॉल हुआ, ऐसा नहीं होता ये कॉल हो गई ये कॉल हो जाए ये कॉल हो जाए। इसकी कॉल तो ये है लेकिन वर्किंग कैसे होगी, इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी, ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये उसके बाद CP3 पे जाएगा, CR2 पे जाएगा, CR1 पे जाएगा और CR0 पे जाएगा। CR0 पे जैसे हम पहले करते आए, CR0 पे कोई काम नहीं है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाते हुए क्या करेगा ये देखना है, ठीक है, अभी समझना। तो ये ट्रेसिंग हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद ये वाला CR0 आएगा, फिर CP2 से फिर इस तरफ आएगा और ये ट्रेसिंग जो है करते हुए, मैं लाइन एक्सप्लेन नहीं डाल रहा कि ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जाएगा। तो होगा क्या, जब हम यहाँ से वापस आएंगे, अच्छा अभी देखिए इसमें दो चीजें, मैंने एक चीज और ऐड कर दी है, पिछली वाली डायग्राम इस डायग्राम में सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि CP4 जब कॉल होगा तो CP4 जब लूप में जाएगा तो पहले कटिंग जो करेगा 1 की करेगा, यानी i=1 होगा, फिर कटिंग करेगा 2 की, फिर कटिंग करेगा 3, ठीक है। इसमें एक चीज और मैंने ये ऐड कर दी है कि जो कटिंग 1 की करेगा उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, तो उसका प्रॉफिट मैंने ये ऑरेंज वाला नहीं, ये ब्लू में जो लिखा है उसका प्रॉफिट इस वक्त 1 है, ठीक है, 8 तो बाद में ये ऐड होगा, अभी फिलहाल लिखा है कि कटिंग जो है इसकी 1 है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट 1 है। और CP2 में अगर दोबारा यहाँ देखा जाए तो CP3 के अंदर ये कटिंग इसकी 1 है क्योंकि आई दोबारा 1 होगा CP3 के लिए और प्रॉफिट 1 है, लेकिन जब कटिंग 2 कर रहे हैं तो इसका प्रॉफिट देखिए कितना 8 है, जब कटिंग 3 की कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना 8 है, यहाँ पे भी इस तरह होगा, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, अगर ये कटिंग 3 की कर रहे हैं तो प्रॉफिट यहाँ पे भी 8 होगा। मैंने सिर्फ एक साइड को एनालाइज करा, बाकी ये वाली साइड खुद ही हमें समझ आ जाएगी कैसे काम कर रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये बेसिकली इसकी जो इसके ब्रांच में लिखा हुआ इसकी करंट कॉस्ट है, यानी जो कटिंग कर रहा है उसकी करंट कॉस्ट एसोसिएटेड लिख रहा हूँ, जो वो PI लिखा हुआ था ना, उसने PI जो पीछे डायग्राम में लिखा हुआ था वो लिखा है मैंने, कि यहाँ पे लिखा हुआ था PI, ये जो एसोसिएटेड जब हम ट्री बना रहे हैं तो एसोसिएटेड वैल्यू है उसके ब्रांच के ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो दो बातें हो गई, हमें समझ में आगे क्या बात हो रही है, अब आइए आगे। तो जब यहाँ से हम वापस जाएंगे, अच्छा हर एक के पास अपना क्यू मेंटेन हो रहा है, देखिए मैंने वैसे तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिखा नहीं जा रहा था तो मैंने माइनस 1 कर दिया, बेसिकली माइनस इन्फिनिटी हमारे केस के मुताबिक ये माइनस इन्फिनिटी है सारा,
तो हर एक के पास अपना एक क्यू मेंटेन होगा जो भी अपडेट होना शुरू होगा। देखिए ये सब क्यू है, इसके पास भी क्यू है। इनिशियली जब भी कोई रिकर्सिव कॉल हो रहा है ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। जब P4 कॉल होगा उसका एक क्यू होगा, फिर जब 3 कॉल होगा तो उसका एक क्यू होगा, फिर जब 2 कॉल होगा तो उसका भी एक क्यू होगा। तो हर एक का अपना एक क्यू जो है मेंटेन भी हो रहा है। इस बेसिस पे हम इसको सब चीजों को इस ट्री के अंदर पहले से लिख लिया है ताकि हमें जब इसको ट्रेस करें तो हमें इसमें कोई दुश्वारी ना हो। मैंने हर एक के पास उसकी अपनी करंट क्यू वैल्यू भी लिख ली है। ठीक है, अब जब यहाँ से होते हुए इस ब्रांच से यहाँ से जब मूव करेंगे इस तरफ तो हमें ये पता होना चाहिए P0 क्या आउटपुट देगा। तो आपको पता है 0 अगर इसकी लेंथ, P तो एरे था और अगर लेंथ उसकी 0 है तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस रिकर्जन का आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। रिकर्जन का आउटपुट जो 0 मिलेगा, अगर हम इसके एल्गोरिथम पे दोबारा जाए तो रिकर्जन का आउटपुट अगर 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है, इस रिकर्जन का आउटपुट अगर 0 मिलेगा तो वो किसमें ऐड होना है इसको, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। कैसे पता चली 1 है, अगर इसके हम इस जगह पे जाएं तो इस वक्त आई जो है वो 1 के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, आई 1 का मतलब कटिंग 1 हुई हुई है, और कटिंग 1 है तो उसकी पी वैल्यू कितनी है, पी वैल्यू यानी अगर हम टेबल में देखें तो कटिंग 1 का प्रॉफिट भी 1 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सूरत में इस बेसिस के ऊपर ये P0 जो दे रहा है, P0 आउटपुट तो उसने 0 गया, लेकिन उस कटिंग जो हमने 1 की थी इसका इसकी कॉस्ट कितनी है, 1 है। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये 1 जो है, ये 1 जो है बेसिकली अपडेट हो जाएगा कि अब आपके पास प्रीवियस वैल्यू जो है, यहाँ पे वो देखेगा कि प्रीवियस वैल्यू जो है इन्फिनिटी थी और करंट वैल्यू 1 है जो अभी इस वक्त हमारे पास आई है Q1 के लिए। जैसे ही हमने यहाँ से 1 पास किया ना तो इसने 0, इसको 0 कर दिया। तो 0 के लिए तो ये आउटपुट दे सकता है ना, 0 के लिए 0 आउटपुट देगा, लेकिन ये 1 चल रहा है आई, 1 के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन 1 का ये इन्फिनिटी कहलाएगा। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 1 और 0 के दरमियान जब कंपैरिजन करेंगे मैक्स तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है इस वक्त क्यू जो है, जब 1 के लिए हमने कहा था कि इसको इन्फिनिटी कर दो, माइनस इन्फिनिटी, लेकिन अब ये अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होकर क्या देगा, ये दोबारा यहाँ पे जाते हैं, तो ये आपको कहेगा कि अपडेट होके जो पहले हमने इनिशियलाइज किया हुआ था इसकी 1 वैल्यू, लेकिन 0 की वजह से कटिंग वैल्यू इसके साथ एसोसिएट की तो इस क्यू की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान कंपैरिजन करो तो मैक्सिमम कौन सा होगा, 1 होगा। तो लिहाजा इसके पास ये वाली क्यू अपडेट हो गया जो कि 1 है। अब जब ये अपडेट हो गया तो ये अपनी वैल्यू पिछले वाले को देगा जो 2 के लिए कॉल हुआ था, यानी कटिंग 1 CPR2 के 2 कॉल है, लेकिन CPR2 की वो कॉल जो कि कटिंग 1 के लिए थी वो कॉल पहले हुई, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको रिटर्न करेगा तो कटिंग 1 की कॉस्ट 1 है और ये अपनी कॉस्ट 1 लेके इसको देगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। और इसके पास पहले से कितना है, माइनस इन्फिनिटी और 2 को कंपेयर करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस वक्त CP2 के पास क्यू की वैल्यू 2 अपडेट हो जाएगी। ठीक है, वैसे मेरी, लेकिन CP2 कंप्लीट नहीं हुआ। CP2 अभी इस वाले साइज से अगर मैं देखूं तो इस वाले से यहां से लेकर यहां तक में अपडेट हो गया है। अब CP2 जब यहाँ से, यानी जैसे हम यहाँ से जा रहे थे और यहाँ पे ये सारा करते हुए यहाँ पे आए, अब इसको हमने अपडेट करने के बाद नीचे की तरफ आए कि इसकी दूसरी जॉब भी परफॉर्म करें। कौन सी जॉब है, जब कटिंग 2 करें हम, जब कटिंग 2 करेंगे तो उस वक्त प्रॉफिट 5 का है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये तो हमने एसोसिएट कर दिया इसके साथ, लेकिन इस वक्त ये माइनस इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि ये अब इस वक्त Q=2 लेके बैठा है क्योंकि अपडेट हो चुका है ये। और यहाँ से ये लेके जब जाएगा वापस तो CP0 के वैल्यू का कितना होता है, 0। तो क्या हो जाएगा, कटिंग 2 की कॉस्ट है 2, ये आप शीट में देख लीजिएगा, पीछे टेबल में देख लीजिएगा, और P0 की वैल्यू है 0। तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 5 लेके ये ऊपर जाएगा। तो अब आपके पास 2 वैल्यू है, जैसे मैंने बताया क्यू की वैल्यू पुरानी जो है वो 2 है। अगर हम इस एल्गोरिथम पे अगर हम जाए तो आपको नजर आएगा ये कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पर जो इसकी वैल्यू अपडेटेड है वो 2 है, लेकिन इसने कैलकुलेट करके हमें 5 दे दिया। वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान कंपेयर करो, और ये किसके लिए हो रहा है, ये 2 के लिए हो रहा है फाइनली। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो कंपेयर करेंगे तो 5 बड़ा आ जाएगा, तो जो पुरानी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। समटाइम पुरानी वैल्यू अपडेट हो जाती है, समटाइम पुरानी वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ पर आपके पास पुरानी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस वक्त क्या रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसके दरमियान कंपेरिजन हुआ यहाँ पे, ये मैंने एरो बना के लिखा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने इसको एरो बना के बाहर कर दिया। तो 2.5, तो मैक्स वैल्यू 5। इस वक्त यहाँ पर ये
अपडेट हो जाएगा 5 से, यानी अब 2 नहीं होगा बल्कि इसको कट करके इसकी वैल्यू जो है 5 हो जाएगी। तो ये ब्रांच सॉल्व हो गई हमारे पास। अभी हम रिकर्सिव कर रहे हैं ना, तो हमें सारी ब्रांचेस सॉल्व करनी। उसके बाद ये रिजल्ट देगा 3 को, और 3 पहले इससे रिजल्ट लेगा, फिर इससे रिजल्ट लेगा, और फिर इससे रिजल्ट लेगा, पहले इससे रिजल्ट लेगा। तो इससे जब रिजल्ट लेगा तो यहाँ से CP3 पहले कटिंग 1 के लिए किया था, कटिंग 1 की कॉस्ट 1 थी, और यहाँ से इसने आउटपुट दिया है 5। तो 1 और 5 कितना हो गया 6, ठीक है। तो 6 तो ये पहले अपडेट हो जाएगा 6 से, ये पहले अपडेट हो जाएगा 6 से। उसके बाद क्योंकि पहले इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी और इनमें 6 आ जाएगा, उसके बाद फिर ये 6 है भाई, 5 नहीं है। पहली दफा ये अपडेट हुआ, ये 6 है, मैं गलत लिख दिया। उसके बाद ये कटिंग 2 के लिए चलेगा, कटिंग 2 के लिए जब चलेगा तो कटिंग 2 के लिए जो कॉस्ट है वो 5 है, और इसका दोबारा से CRP1 कॉल करेगा। CRP1 जो है वो CR0 कॉल करेगा। जब CR0 पहले के लिए कॉल होगा तो कटिंग 1 की कॉस्ट जो है वो 1 है, ठीक है 1। तो यहाँ से C0 जो कॉल रिजल्ट देगा, C0 रॉड की लेंथ 0, कॉस्ट 0, और कटिंग 1 कर रहे थे तो ये आ गया आपके पास 1+0 1, यहाँ पे इसका आ जाएगा 1। ये 1 इसको यहाँ पे देगा कटिंग 2 वाले रिजल्ट को, तो ये हो जाएगा 1+5+1 6। तो ये कंपैरिजन में जाएगा, ये वाला नहीं, ये तीसरे वाले का, अभी ये वाली कंपैरिजन हो रही है। यहाँ से भी 6 आया हुआ है ये रहा, और यहाँ से भी सेकंड वाले से भी 6 आ रहा है, तो 6 और 6 को कंपेयर करेगा तो 6 ही आंसर आ जाएगा। तो अभी तक 6 आया, यानी इस ब्रांच और इस ब्रांच से कंपैरिजन 6 ही आ गया। जब इस ब्रांच पे आएगा कटिंग 3 के ऊपर, CP3 अब फाइनली रिजल्ट दे रहा है अपने थर्ड लूप के थ्रू, CP3 3 की कटिंग कर रहा है, 3 की कटिंग की कॉस्ट जो है वो 8 है, और रिमेनिंग बचेगा 0, 0 की कॉस्ट 0 है, तो 8+0 8, ये रिटर्न देगा इसको। तो अब कंपैरिजन होगा 6 और 8 का रिजल्ट होगा तो 8 आ जाएगा। तो CP3 जब बाहर निकलेगा, अब यहाँ देखने की बात है एल्गो में देखने की बात है कि जब CP3 जब बाहर निकलेगा, यहाँ से CP3 से जब हम बाहर निकलेंगे तो ये अपडेट हो रहा होगा, और ये अपडेट क्या हो रहा होगा, इसकी अपडेशन जो है बेसिकली कह रही होगी कि आंसर इसका 8 है। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि इसका आंसर 8 है, और ये लेके फिर इसके 4 पे पास जाएगा। 4 में अभी माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन इस पूरे ब्रांच से इसका आउटपुट एक आ चुका है जो यहाँ पे 8 आंसर दे रहा है, और कटिंग 1 के लिए था तो कटिंग 1 की कॉस्ट 1 है, तो ये 1+8 9 आ जाएगा। तो ये एक ब्रांच से ये सारी ब्रांच सॉल्व करके CP4 को CR4 को रिजल्ट देगा 9, लेकिन जरूरी नहीं कि ये आंसर हो अभी हमारा, क्योंकि अभी हमारे आंसर के अंदर मजीद सॉल्यूशन जो है करना बाकी है। अब जब इस तरफ से करेंगे कि P4 में 2 की कटिंग करेंगे, तो आप पहले इसके यहाँ पे नीचे डेप तक जाएंगे और इसका रिजल्ट फिर इसको देंगे। अब अगर ये डायनेमिक एल्गोरिथम होता तो मैं कहता ये वाला सॉल्व कर चुका हूँ मैं, CP2 का रिजल्ट जो है वो 5 आना है, मुझे पता है इसका रिजल्ट कितना आना है, 5 आना है। समझ में आ रही बात है, इसका रिजल्ट 5 आना है, और ये जो रिजल्ट है 2 कटिंग 2, ये C2 है, तो C2 का P जो है वो 5 है। तो ये 5 जब यहाँ से आएगा तो ये 5 और ये 5, ये दोनों 5 आपस में ऐड होकर 10 आएंगे। तो इस वक्त यहाँ पे 9 पहले से है जो कि पुरानी क्यू है, और नया क्यू 10 आ गया। इन दोनों के दरमियान कंपेरिजन होगा इस वाले ब्रांच के थ्रू, तो रिजल्ट आउटपुट में आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास रिजल्ट आ गया 10, ठीक हो गया। तो ये इसके बाद यहाँ से इसी तरह से ये वाला भी रिजल्ट देगा और कंपैरिजन होगा, तो इसका रिजल्ट 10 से छोटा ही रहेगा, देख लीजिए, और इसका रिजल्ट भी 10 से छोटा रहेगा। तो फाइनली यानी ये रिजल्ट भी आएगा और वो 10 से कंपेयर होगा, फिर इसके बाद ये रिजल्ट डायरेक्ट आएगा जो 10 से कंपेयर होगा, तो फाइनली रिजल्ट 10 रह जाएगा आपके पास। 10 जो है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है जो इस वाले में रिकर्सिव के थ्रू सॉल्व होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें यही नजर आ रहा है कि अगर हम उसको 2 के इसमें कट कर दें 4 को, यही सवाल हम आगे लेके मतलब इसी को आगे कंटिन्यू किया कि अगर 4 लेंथ है और उसको 2 कट कर दें तो 10 ऑप्शन मिलेगा हमें, इसके अलावा किसी और बेसिस पे हाईएस्ट कॉस्ट हमें नहीं मिल रही। यही एक वाइज सोल्यूशन है जो हमें मिल रहा है, जो हमें ये रिकर्सिव कॉल भी दे रहा है कि 2 को अगर कट करें, 2 और 2 में कट करें तो 10 रिजल्ट हमें यहाँ पे देगा। ये रिकर्सिव कॉल को जिस तरह से और जो प्रोसेस यहाँ पे किया ना, सारा प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, और इस तरह से एक एक करके ये कंपैरिजन करते जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि इनएफिशिएंटली काम हो रहा है तो CP2 कॉल करेगा, फिर ये इसको आगे देगा, ये भी कॉल होगा, ये दोबारा कॉल होगा, तो इस चीज को ऑब्जर्व किया गया और कहा गया कि इस इनएफिशिएंट मेथड को बेसिकली हमें एफिशिएंट बनाना है, और उसको एफिशिएंट बनाने के लिए इसको डायनेमिक एल्गोरिथम की तरफ लेके जाएंगे कि जो चीज पहले से सॉल्व हो गई है क्यों ना उसको हम स्टोर कर दें कहीं पे। सवाल की तरफ जाता हूँ, सी आर है ना
की वैल्यू के लिए क्यू मेंटेन करेंगे, सी आर है एन की वैल्यू के लिए क्यू मेंटेनिंग। तो बेसिकली ये कंपाइलर खुद कर रहा था ना, स्टैक के थ्रू करता है, ठीक है। नहीं ये तो भी हमने रिकर्सिव मेथड लगाया ना, इस पे तो भी हमने कहा ही नहीं कि डायनेमिक एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, डायनेमिक तो अभी जा रहे हैं करने के लिए। लेकिन सब स्ट्रक्चर जो है अगर देखा जाए तो रिकर्सिव के बेसिस के ऊपर ये सब स्ट्रक्चर ऑप्टिमली है। यानी अगर हमने हमने सी आर पी फोर के लिए जो रिजल्ट मांगा है और हमारे जहन में है कि सी आर पी फोर जो रिजल्ट देगा वो ऑप्टिमल होगा, तो इसका सब स्ट्रक्चर जो सी आर पी थ्री हमने सेम मेथड से अराइज किया है, यानी किसी मेथड को अडॉप्ट किया, क्योंकि हमें ये पता था कि जो एल्गोरिथम हमने कॉल किया है उसमें सी आर पी फोर जो हमें जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल रिजल्ट देगा, तो इसका ये वाला सब स्ट्रक्चर सी आर पी फोर इस वक्त रिकर्सिव बेस के ऊपर ऑप्टिमल रिजल्ट ही दे रहा होगा, और इसी तरह सी पी टू भी ऑप्टिमल रिजल्ट दे रहा होगा और सी पी जीरो भी ऑप्टिमल रिजल्ट दे रहा होगा। लेकिन ये डायनेमिक अप्रोच नहीं है, डायनेमिक में होता तो हम इस वक्त जब सी पी जीरो निकालते हैं तो उसी वक्त इसको हम बेसिकली स्टोर कर लेते हैं, सी पी वन निकालते तो उसको स्टोर कर लेते हैं, सी पी टू निकालते तो उसको स्टोर कर लेते हैं, जो भी मैं थोड़ी देर में शो करने जा रहा हूँ। लेकिन ये बात तो है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की बात कब शुरू होती है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया और कहा कि जब मैं इसको मेन के लिए कॉल करूंगा और वो मेन जब उसके सब स्ट्रक्चर में तब्दील करेगा तो वो सिमिलर पैटर्न में होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, ताकि जो और उसके बाद उसका जो सब स्ट्रक्चर होगा वो भी सिमिलर पैटर्न में होना चाहिए, ताकि बेसिकली जो अगला वाला पार्ट है अगर मेन वाला तय हो चुका है कि ये ऑप्टिमल है तो सब स्ट्रक्चर भी सारे के सारे इसके ऑप्टिमल होंगे, और डायनेमिक एल्गोरिथम में इसी बात को हम आगे की तरफ रेस करेंगे, ठीक है। चलो समझ आ गया, अच्छा अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछ लिया तो इंटरेक्टिव हो गया क्वेश्चन, आप लोग दूसरे स्टूडेंट पूछ लिया करें, मैंने अगर वॉइस ओपन करा रही वॉइस ओपन करा दूँ। ये तो बेसिकली पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो रिकर्सिव बेस है, हम इस यहाँ तक रुक सकते थे और यहाँ पे ये स्लाइड आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये वाली स्लाइड तो बुक में एग्जिस्ट करती है लेकिन डिफरेंट पैटर्न में लिखी हुई है, मैंने फिर उसे एक स्टेप ये ऐड किया, कटिंग वाले इंसर्ट किया ब्रांच में और फिर एक स्लाइड ये इंसर्ट किया, क्यू को भी इंसर्ट करके वो लेके गया, तो ये वाइट बोर्ड कराने वाला काम है, बुक में आपको शायद ये नहीं मिले। तो इसमें देख के बता दिया जाता है कि ये बेसिकली एक इशू है जिसमें हम रिकर्सिव कॉल को ऑप्टिमल बनाना चाहते हैं, जो उसका सब स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा और उस सब स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है और हमने सॉल्व कर लिया है तो मैं इसको बेसिकली स्टोर कर लूंगी, तो वो हमारे लिए एडवांटेज होगा। तो इस बेसिस के ऊपर इसने यहाँ पर ये सारे जो तो इसकी फॉर्मेलिटी लिखी हुई है, मैंने इसको पढ़ना नहीं है, ये तो आप पढ़ लीजिएगा बुक से कट पेस्ट किया है। अब ये हमें समझ आ चुका है कि अगर इसको देखा जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वक्त जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ये सबको नजर आ रहा है कि 4 कॉल कर रहा हूँ तो 16 रिकर्जन कॉल है, 5 करूंगा तो 32 रिकर्जन कॉल होगा, 6 करूंगा तो 64 रिकर्जन कॉल होगा, जितनी रिकर्जन कॉल होगी वो इसकी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कैटेगरी में लेके जाएगा उसको। तो इसका मतलब है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिकर्जन कॉल पर डिपेंडेंट है कि जितना इन देंगे उसकी पावर बन जाएगी, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि 2 की पावर n जो नोड्स होंगे वो बेसिकली इसकी बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतने ही रिकर्सिव कॉल की तरफ हम लेके जाएंगे इसको, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस इनएफिशिएंट एल्गोरिथम को जो कि हमने समझ तो लिया है, वो कि हम इस लेवल पे भी नहीं थे कि मैं भी बना लेता हूँ उससे, काफी दुश्वार गुजार बेसिकली एल्गोरिथम है जो इन्होंने हमें बना के दी, हमने सिर्फ उसको अंडरस्टैंड किया है, तो वो कि समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब हम उसको एफिशिएंटली लेके जाएंगे ताकि इसका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो बेसिकली नॉन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी लीनियर या दूसरे कैटेगरी के अंदर जो चला जाए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब डायनेमिक एल्गोरिथम में हमें क्या करना है, डायनेमिक एल्गोरिथम में सिर्फ इसके अंदर जो सब स्ट्रक्चर्स हम यूज कर रहे हैं, डायनेमिक एल्गोरिथम में जो हम इसका सब स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को स्टोर करने की एबिलिटी हमें इसके अंदर इंसर्ट करनी है कि किसी तरह से सब, और फिर हम ये कह सकेंगे कि जब हम इसके सी आर पी को अगर हम स्टोर करने के काबिल हो जाते हैं तो सी आर जीरो को तो सी आर जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दफा कॉल हो रहा है, अगर मैं इसको स्टोर कर लेता इसी वक्त यहाँ पे स्टोर कर लूँ
तो ये सिर्फ एक दफा कॉल होगा और बाकी सब के सब स्टोरेज से उठेंगे। इसी तरह से CR1, 1, 2, 3 तीन दफा कॉल, फोर दफा कॉल हो रहा है। अगर मैं इसको पहली दफा स्टोर कर लेता तो मैं ये एक दफा कॉल करता और उसके बाद ये बाकी स्टोरेज से उठते। ये जो हमने पहले फिबोनाची सीरीज में भी ये बात की थी, ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस पे डायनेमिक अप्रोच अप्लाई करना है तो कुछ स्टोरेज का कॉन्सेप्ट, इसमें कंप्यूटेशन कॉस्ट एंड स्पेस के दरमियान ट्रेड ऑफ भी बन रहा होता है कि आप कुछ स्पेस एक्स्ट्रा यूटिलाइज तो करेंगे ना इसमें। ये बेसिकली इसके दरमियान एक ट्रेड ऑफ का भी जो है मार्क नजर आता है हमें। तो खैर ये तो अभी हम इस कॉस्ट में इतना बेसिकली इसको रिड्यूस कर देंगे कि स्पेस इसके सामने बेमायने हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल से लीनियर की तरफ आ जाएंगे। लीनियर से मुराद है लीनियर या पॉलीनोमियल की तरफ आ जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ी स्पेस हमारा एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन कॉस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब आप ये सोचें कि जब मैं सबको स्टोर कर लूंगा तो टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल कितनी होंगी? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप लिख के जवाब दे सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर कि व्हेनेवर यू विल रिड्यूस और स्टोर द रिकर्सिव कॉल इन a specific data structure, either in hash or either in any data structure, अगर मैं इसको किसी data structure में store कर देता तो अब store करने के बाद अब recursive call कितनी call होंगी, total number of recursive कितनी call होंगी ये बता दें, लिख के बता दें। अगर मैं 4 के लिए करूँ तो कितनी होंगी, 5 के लिए करूँ तो कितनी recursive call होंगी, और n के लिए करूँ तो कितनी recursive call होंगी, total number of recursive calls। If we are going to store Muhammad Ramzan n plus 1, waiting for answer. So ये एक आंसर तो आ गया, another answer. यानी मेरे सवाल दोबारा सुन लो कि if we are storing our recursive call and we are not supposed to recursive call again and again, so after an implementation of this method, how many recursive call will be applied in your cutting rod program? जी सर, एक आंसर के बाद अगले भी आंसर दे दो, जैसे ब्लॉगर करके भागेंगे। N minus one. जी और कोई अरसलान के अलावा? और स्टूडेंट भी तो है, बता दो कहीं लगा दो कितनी रिकर्सिव कॉल करोगे हारिस एन एन। ठीक है, एन माइनस वन जाकर सही है, एन प्लस वन। देखो ठीक है, चलो कुछ आंसर आ गए, हल हो गए कि आप सुन तो रहे हैं सही तरीके से। देखिए आंसर सबके सही है लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस्ट करेक्ट आंसर है वो एन प्लस वन है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास अगर फोर है ना तो आप फोर के लिए, थ्री के लिए, टू के लिए, वन के लिए ये तो कॉल करना ही करना है। ठीक, तो ये हो गया एन, फोर के लिए, थ्री के लिए, टू के लिए, वन के लिए, और एक बेस केस के लिए करना होगा जो कि जीरो होगा, जिसकी वैल्यू पता हो, जिसकी वजह से ये रिकर्जन खत्म होनी शुरू होगी। उसका मतलब है टोटल रिकर्सिव कॉल होगा एन प्लस वन, बाकी सारे स्टोर होंगे। यानी अब आपके पास ये वाला एन प्लस टू रिकर्सिव कॉल नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा रिकर्सिव कॉल क्योंकि ये पहले से स्टोर है तो आप इसको करेंगे नहीं, तो इस वजह से हमें सिर्फ एन प्लस वन रिकर्सिव कॉल करनी होगी। वन इसलिए लगा रहे हैं कि एक बेस केस का भी रिकर्सिव कॉल होता है जो बाद में रिकर्सिव के रिजल्ट देना शुरू करता है। ठीक हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ एन रिकर्सिव कॉल होगी, और बाकी जो एल्गोरिथम चलाऊंगा मैं अभी डायनेमिक का, वो जो टाइम लेगा वो टाइम लेगा। तो इसके बेसिस पे इन्होंने कहा है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि हैविंग ऑब्जर्व दैट नेव रिकर्स सॉल्यूशन इज इनएफिशिएंट बिकॉज इट सॉल्व द सेम सब प्रॉब्लम रिपीटेडली, कहते वी अरेंज फॉर ईच सब प्रॉब्लम टू बी सॉल्व ओनली वंस सेविंग इट्स सॉल्यूशन। देर आर यूजली टू इक्विवेलेंट वेज टू इम्प्लीमेंट अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। आप दोनों मेथड में बता चुका हूँ, मेमोराइजेशन जिसको हम मेमोराइजेशन भी कहते हैं और बॉटम अप जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि पहले आप टॉप के रिजल्ट को कॉल करते हैं
उसके बाद अगले टॉप को करते हैं, लेकिन रिजल्ट निकालना नीचे से शुरू करते हैं। लेकिन आस्किंग जो है वो टॉप से शुरू होती है, और बॉटम अपने आप शुरू ही बॉटम से करते हैं, पहले लोअर, फिर उसके बाद लोअर, फिर उसके बाद लोअर से रिजल्ट निकालना जो है वो शुरू कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे आंसर आपको मिलता है। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन फॉर द डायनेमिक एल्गोरिथम, वन इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड इज बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन इसलिए हमारा नियरेस्ट हो जाएगा कि हमने इसको भी रिकर्सिव भी बनाया है, तो हम इसी रिकर्सिव में, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच में हम रिकर्सिव के अंदर मिनिमाइजेशन जो है अप्लाई करते थे, तो इसने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है टॉप डाउन अप्रोच में कि वी से दैट द रिकर्सिव प्रोसेस प्रोसीजर हैज बीन मिनिमाइज्ड, इट रिमेंबर्स व्हाट रिजल्ट इट हैज कंप्यूटेड प्रीवियसली। तो इसने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया है। अब कहता यह है कि मैं बेसिकली एक एरे एक्स्ट्रा लूंगा जिसके अंदर अपना मेमोराइज रिजल्ट स्टोर करूंगा। एरे की लेंथ उतनी होगी जितनी रॉड की लेंथ है, ठीक है, ये मैं भी शो करता हूँ डायग्राम से ताकि आपको समझ आए ये बात। तो इसकी जो रॉड की लेंथ है उतनी होगी जितनी बेसिकली आपके पास एरे की लेंथ है। हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पे जो ये मेथड कॉल हुआ है ना, ये बेसिकली एक मेथड है और ये है मेमोराइज कट रॉड के नाम से। इसने क्या किया, एक एरे आर के नाम से जीरो से लेकर एन तक इनिशियलाइज करा दिया, बी ए न्यू एरे, और इसके हर लोकेशन पे माइनस इंफिनिटी इंटर कर दिया। ये बेसिकली एक एरे होगा, और अगर हमने यहाँ से इसको फोर पास किया है, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में बार बार फोर ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस एरे की लेंथ जो है, अब देखिए जीरो से फोर होगी तो जीरो भी आएगा, जीरो वन टू ठीक है थ्री और जीरो से फोर तक इसकी लेंथ होगी। तो जीरो से फोर की लेंथ में हर एक लोकेशन पे माइनस इंफिनिटी जो है इसने इनिशियली इंसर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद फिर मेमोराइज और एक नया एल्गोरिथम जो है वो रिटर्न कॉल करके उसका रिटर्न ले लिया। यानी इसी के अंदर अब अगला एल्गोरिथम जो कॉल हो रहा है वो रिकर्सिव नहीं है अभी, ये तो सिंपल मेमोराइज का ट्रॉट कॉल किया इसने, और इसने ये चार लाइनें लिखी, और इसके अंदर फिर एक मेमोराइज कट रॉट ऑक्सिलरी जो है वो कॉल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर होगा जो थोड़ी देर पहले हमने अभी रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है वो रीड किया था। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा रिकनेक्ट कर लेंगे, अच्छा दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं अगले एल्गोरिथम पे, ये वाला एल्गोरिथम कौन सा है। तो कहते हैं कि इस एल्गोरिथम को अगर देखा जाए तो ये अभी जो थोड़ी देर पहले हम एल्गोरिथम देख रहे थे वही एल्गोरिथम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके जैसे कॉल किया क्या है, मेमोराइज कट डॉट ऑक्सिलरी। इसके अंदर पास क्या क्या किया है, पी एन और आर। आर में क्या है, आर में बेसिकली हमने ऊपर की लाइनों में जीरो से लेकर फोर तक का जो आर था, जीरो से लेकर फोर तक जो आर था हमारे पास, उसमें सब में माइनस इंफिनिटी हमने इंसर्ट किया हुआ ऐसी टेम्पररी।